नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान या फिर मध्य प्रदेश एमपी स्पेशल के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश जीके के। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 14 टेस्ट है। याद रखिए हमेशा कि टेस्ट तभी दिए जाते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। परीक्षा कब देते हो आप लोग? तभी तो देते हो जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो इसलिए पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो डिटेल के साथ आपके चैप्टर ख़त्म किए गए उन्हें देख लें जाकर। तो इसके लिए आप जा सकते हैं, हम लोगों ने कंप्लीट पूरा मध्य प्रदेश जी के देखा है। अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना क्लियर है। तो या तो आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें जाकर देख सकते हैं। ये आपका 17 घंटे का करीब लेक्चर है, पूरा मध्य प्रदेश इसमें कवर किया गया है। या फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपका चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो उसे कवर कर लें, एमपी जीके के लिए काफ़ी है उतना मटेरियल, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह आपका इंदौर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.38%। डी ऑप्शन सही है। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसे हम लोग पहले के जो भी आपके टेस्ट लगाए हैं हम लोगों ने उसमें हम लोग देख भी चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वहाँ नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लें और इसका आंसर भी दें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 6%। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का सबसे बड़ा प्रदेश है? 6। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, संपूर्ण देश की में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 70.64% है, मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश में यह कितना है? तो यह आपका 20.30%, यानी कि 5 में आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 6वां, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व है? तो ये आपका 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ए ऑप्शन सही है 6वें में। क्वेश्चन है 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका छिंदवाड़ा। सी ऑप्शन सही है 7वें। क्वेश्चन है 8, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका भोपाल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 9, भोपाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? भोपाल का
जनसंख्या घनत्व है आपका 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 855। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत है कितना? 69.3%। 69.3%। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 11। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ये आपका जबलपुर। 11 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला है? अलीराजपुर। ए ऑप्शन सही है। याद रखिए 2021 की जनगणना जैसे ही आएंगे, आंकड़े आएंगे, उसके बाद इसका महत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके लिए वही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर कभी कुछ पॉइंट पूछते हैं तुलना के रूम में तो आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 21वां। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात है? तो ये आपका बालाघाट। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है? भिंड। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो यह है 72.37%। कितनी? 72.37%। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 17। प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है आपका भोपाल। बी ऑप्शन सही है। 17 में बी। क्वेश्चन है 18। प्रदेश में महिला साक्षरता है 59.24%। प्रदेश में महिला साक्षरता है 59.24%। यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं? डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 20। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं डिंडोरी, शिवपुर, पन्ना। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 21। 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो ये आपका 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिंग अनुपात आपका वही कहलाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 931। सी ऑप्शन सही है 21 में आपका। क्वेश्चन है हमारा 22। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? तो
तो दतिया याद रखिए। लेकिन अभी जो आपका 52 जिला निवाड़ी बना हुआ है, ये क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। तो अगर आपका ऑप्शन में निवाड़ी आता है तो निवाड़ी को टिक लगाइए, ठीक है। अगर दतिया है तो दतिया को टिक लगाइए, ठीक है। पहले निवाड़ी फिर दतिया याद रखिए। और 2021 की जो जनगणना होगी उसमें आपके ये आंकड़े बदल जाएंगे, तब आपको क्लियर दिया जाएगा, ऑप्शन भी फिर सही ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन है 23, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो झाबुआ में। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बी है। क्वेश्चन हमारा 24, क्या 24 मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? डिंडोरी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें जबलपुर, इंदौर, भोपाल हैं, सी ऑप्शन सही है 25 में, ठीक है। क्वेश्चन है 26, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम बताना है आपको, तो यह उज्जैन, ए ऑप्शन सही है 26 में। फिर हमारा क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? यह है आपका हरदा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए ये था आपका टेस्ट 4, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टेस्ट 5 के बारे में।